कोई दिक्कत नहीं आने दे, कीड़ा कांटा तेरा देखा जाएगा जो भी होगा कुछ तो है। अकेले में दरार देख लेनी जबरदस्त रखी बड़ी बड़ी यार, ये डिज़ाइन उसी जमाने की है क्या? वो देख क्या है वो सामने भी गिला है यार एक। चल 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 आ जा और देखा जाए। ये थे आई थिंक कमरे, ज़्यादा पंखे नहीं लेंगे। ये वीडियो हमारी जरूर देख लेना एक बारी, उसके बाद आप प्लान करना कि आपने जाना है कि नहीं जाना। और भाई साहब कैसे हो? बढ़िया भाई का, तुम बताओ। और फिर क्या था तुम्हारा? फिर बस बाइक अच्छी है, हेलमेट भी अच्छा होना चाहिए। कौन सा? हाँ वो सही बात है, ये मेरा हेलमेट एक्सचेंज होना चाहिए, इसके साथ मैच कर रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ समझ गया। कहाँ से हटता है ये? अब सही है, ऐसे ही रखो। अब लाइट लेफ्ट साइड को व्यू एंजॉय करता चाहिए बस, इस रोड से बस थोड़ा ही है बस, यहाँ से गाड़ी मुड़ रही है तो सामने देखिए गाड़ी मुड़ी है, यहाँ से इस साइड को राइट साइड को देखियो। नज़र नहीं है, हाँ बस वही इसी के आसपास ही है। वो देख रहे हो ऊपर, यही है क्या? क्या दिखा रहा है? रास्ता तो यही दिखा रहा है। चल 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 यहाँ लगा दो ना पीछे भाई, गाड़ी के बगल में। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं हूं अशोक और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मनोली फोर्ट, जो यहां का प्रसिद्ध है, और ये मनोली एक पिंड है, पिंड के बीचों बीच एक फोर्ट बना हुआ है। आज हम ब्लॉग शूट करने आए हैं, तो यहां पे हम देखेंगे क्या कुछ है यहां पे, तो आपको दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, कुछ यूनिक कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे, तो देखते हैं। अकेले में दरार देख लेनी जबरदस्त रखी बड़ी बड़ी यार, टूटने वाला है, मुझे लगता है ये बिखरा हुआ है। ये डिज़ाइन उसी जमाने का है क्या? मस्त है यार ये, पता नहीं हाथों से बनाए जाते हैं कि कैसे बनाते बढ़ाते होंगे ये। देखिए यहाँ भी बना रखे जैसे,
वो देख क्या है वो, आई थिंक गेट है। वो सामने भी गिला यार एक। चल 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 आ जा। काफी खस्ता हालत है। बिल्कुल बहुत पुरानी जगह है, कर गए कम से कम 400 साल पुरानी है, तो 400 साल में तो हालत तो ऐसी ही होगी फिर। बिल्कुल तो देखा जाए, ये थे आई थिंक कमरे, उनके कमरे शायद यही थे, मेरे को यही लग रहा है। और ये ऊपर शायद अपने ना सिपाहियों के लिए जगह थी यहाँ पे, जो यहाँ पे खड़ के निगरानी रखते थे। हाँ ये उन्हीं के लिए वो थे, सिक्योरिटी के लिए, मतलब उठी के लिए बनाए हुए थे। और ईंटें आप देख सकते हो, आज के टाइम में ईंटें ऐसी मिलती नहीं है जैसे पहले। बिल्कुल चलो ऊपर तक चलते हैं उसमें, उसमें देखते हैं जाके क्या चीज़ है। कोई दिक्कत नहीं आने दे, अभी कीड़ा कांटा तेरा देखा जाएगा जो भी होगा। वाओ आई डोंट नो भाई, कुछ तो है, उल्लू है, ज़्यादा पंखे नहीं लेंगे। और भी हैं, एक और दो। हाँ एक कहाँ से जुड़ा, एक उड़ गया पीछे, उड़ गया। अच्छा एक तो यहीं पे मटर आ रहा, लगता बच्चे देर क्यों ये रहा। ये रहा इधर घमला वो है इनका घोंसला वगैरह। हाँ कितने प्यारे लग रहे हैं ये सिपाहियों का किला। ये था दोस्तों उस टाइम के सिपाहियों के निगरानी रखने के लिए, और यहाँ दिए भी जलाए जाते थे, और किसी को टारगेट करना चाहते थे वो तब के टाइम में तो आराम से कर सकते थे। चलते हैं भाई। ये देखो दोस्तों जैसे ये हो गए बीच में, ये लोगों को टारगेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं तब के टाइम में। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, यहाँ से निगरानी रखी जाती थी। तो गाइस देखा आपने पूरा पोर्ट आपको हमने दिखा दिया है, और हम यहाँ पे कम तकरीबन एक से घंटे के आसपास हमें हो गया यहाँ पे, पूरा हमने छाना घूमा यहाँ पे। बट जो हम सोच के चले थे घर से, हम कि हम जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आए थे हम यहाँ पे, उस जो सोच के चले थे वो चीज़ हमें मिली नहीं यहाँ पे। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें आके पता चला, हमने ये सोचा कि ये टूरिस्ट प्लेस होगा। बात ये है कि ये ज़्यादातर लोकेशन शूटिंग्स के लिए यूज़ की जाती है, या आप यहाँ पे फोटोग्राफी के शौकीन है, प्री वेडिंग या आपको रील्स बनाना पसंद है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप फैमिली के साथ आएंगे यहाँ पे घूमें फिरेंगे, तो उस चीज़ को लेके मत चलना। आप ये वीडियो हमारी जरूर देख लेना एक बारी, उसके बाद आप प्लान करना कि आपने जाना है कि नहीं जाना, अपना देख लेना उस हिसाब से। अगर हम ये ब्लॉग हमारा इस टाइम ख़त्म करना है कुछ, क्योंकि इसमें कुछ रहा नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि शुरुआत होते ही ख़त्म हो रहा है। तो हमें बस ये ब्लॉग यहीं पे शायद एंड करना पड़ेगा। तो जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ, अगला ब्लॉग हम थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए बस, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अगर ये तो बहुत ज़रूरी है।